साहब की मेरी 29 साल की खिदमत है। अल्लाह ताला ने मुझे दुआ की है, हिम्मत दी है, ताकत दी है और अल्लाह के फजल से 9 मंजिला बिल्डिंग भी बना दी हुई है और इसका कैपिटल ऑफिस भी इधर है। अब ये करें इकट्ठे मिलजुल के 8 मुल्क काम करें, हमें ट्रेड भी बढ़ानी है, बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ानी है, टूरिज़म भी बढ़ाएँ, फिर आपस में एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशन करें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जॉइंट वेंचर हों, एग्रो बेस्ड में हों, बाई इकॉनमी हो, तो ये सारा मिलजुल के हम चाहते हैं कि भी ये सार्क मज़ीद आगे बढ़े और हमारी नेबरहुड है, नेबर हम साया बदल नहीं सकता, ये हमारी नेबरहुड है, सार्क हमारे नेबर है, वो कहते हैं ना पंजाबी में है ना, हम साया नहीं कभी बदलना, तो ये हम साए हैं, तो हमारी इतनी लेबर आउटसाइड पाकिस्तानी साउथ एशिया में बाहर काम कर रही है, और अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए हमारे मुल्कों में तो दे शुड ऑल कम बैक विद इन्वेस्टमेंट और मुल्क में बच्चे भी उनके इधर हों और वो बेचारे खुश और खुर्रम रहें। अभी हम अंडर प्रेशर में बाहर मजदूरी करते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी वापस आ जाए, तो मेरी ये दुआ गो है कि सार्क का मैं प्रेसिडेंट हूँ तो अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत और हिम्मत दे और सेहत दे कि इसकी इस तरीके से खिदमत करता रहो। मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो खूब फोकस करते हैं। This is Pakistan Observer. For more latest news, subscribe to our YouTube channel. Thank you.